वेलकम गाइस एमएस एडिटिंग चैनल। तो गाइस आज का हमारा वीडियो फोटो एडिटिंग पर होने वाला है, क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। तो गाइस आज आपको स्क्रीन पर जो फोटो नजर आ रही है वो एडिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो गाइस चलते हैं अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपली आपको अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में आपको फोटो का आपको बैकग्राउंड इरेज करना है तो कटआउट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपकी बॉडी के चारों तरफ आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सिंपली मैं अपनी फोटो के यहाँ चारों तरफ आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है और जो भी करेक्शन करना है आपकी फोटो पूरी तरह से बैकग्राउंड अगर इरेज नहीं होता तो आप यहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा। तो गाइस मैं यहाँ से करेक्शन कर लेता हूँ। करेक्शन करने के बाद में आपकी फोटो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको ड्रो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। तो गाइस अब आपको अपनी पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद में इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपको ब्लर कर लेना है। ब्लर वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा सा इसको ब्लर कर लेना है। ब्लर करने के बाद में आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कर्व वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसकी शेडो को थोड़ा डार्क कर देना है यहाँ से आपको, ताकि बैकग्राउंड पर जो भी इफेक्ट डाले आपको क्लियर नज़र आए। अब आपको अपनी फोटो को इंपोर्ट करना है जिसको यहाँ पर आपको एडिट करना है। आपने जिस बैकग्राउंड को इरेज करा था उस फोटो को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसको इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है एक जगह। फिक्स करने के बाद में आपको इरेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपके जो बॉडी के कपड़े हैं आपको जिस पे इफेक्ट डालना है उसको आपको इरेज कर लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो गाइज आपको यहाँ पे कपड़ों को इरेज करने के बाद में इसको यहाँ से आपको राइट डन कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एड फोटो में जाना है और आपको वापस आपकी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं वापस अपनी फ़ोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद में आपकी फ़ोटो को इस प्रकार से आपको वापस सेट कर लेना है, यानी थोड़ा सा भी आपकी फ़ोटो में यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से आपकी बॉडी पे वापस सेट कर लेना। तो ओपेसिटी आपको कम या ज़्यादा करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे सही फिक्स हुई है नहीं हुई। तो आपको यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और सॉरी इरेज वाले ऑप्शन पे नहीं, आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाना है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको आर्टिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक नियॉन वाला इफेक्ट्स आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। इसमें आपको लाइन्स को यहाँ पे 100 कर देना है और ब्राइटनेस को भी यहाँ पे आपको 100 कर देना है और कॉन्ट्रास्ट और फेड को यहाँ पे कम कर देना है। और यहाँ से आपको इसको राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे को आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन नजर आओगा, इसको जाके स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में आपको इरेजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको अपने फेस का पार्ट जो नज़र आ रहा है उसको आपको यहाँ पे इरेज कर लेना है ताकि आपके फेस पे ये बहुत बेटर तरीके से आपको ये अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से जल्दी से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो वैसे आपका जो जो पार्ट यहाँ पे आपको इरेज करना है उसको सिंपली आपको यहाँ इरेज कर लेना है। जैसे पेंट पे आप कोई इफेक्ट नहीं डालना तो वहाँ से आपको इरेज कर लेना है। आपके हाथ पे इफेक्ट नहीं डालना तो वहाँ से आपको इरेज कर लेना है। सिंपली जहाँ जहाँ पर आपको इफेक्ट नहीं डालना वहाँ से आपको आपके इरेजर से यहाँ से इसको इरेज कर लेना है तो कि आप फोटो यहाँ पर बेटर तरीके से यहाँ पर शो करें। तो यहाँ से यहाँ से आपको जल्दी से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद में आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है और आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपको यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद में आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे वापस जाना है और एडजस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो कि आपका फोटो पर क्या इफेक्ट डल रहा है। आप यहाँ से इफेक्ट आपके अनुसार यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। सिंपली आपको ड्रॉ में जाके इस फोटो को आपको यहाँ पर
थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आप इसको HD में अगर पिक्सल में सेव करना चाहते हो, जो स्टेप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। इरेजर को आपके साइज को कम करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे कट लगा कर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाके फर्स्ट लेयर को यहाँ पे मर्ज कर देना है इम्पिट लेयर को, और थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ताकि लाइट रूम में इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे जाना है और मिक्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपके ऑरेंज वाले ऑप्शन पे जाना है और इसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ताकि आपके फेस पे ब्राइटनेस थोड़ी सी नज़र आए। उसके बाद में आपको यहाँ पे आसमानी वाला कलर जो आपको नज़र आ रहा होगा उस पर आपको टैप करना है और इसकी HUE को यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्लू वाले ऑप्शन पे जाना है और इसकी भी HUE को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है ताकि आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट आसमानी कलर यहाँ पे इफेक्ट आपके नज़र आए। इसके बाद में आपको इनकी सेंचुरेशन और ल्यूमिनेंस को भी कम ज़्यादा करके देख सकते हो और पिंक वाले कलर को आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेम रखना है। थोड़ी इसकी सेंचुरेशन को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो आप, जो इफेक्ट यहाँ पे आपको बेटर लगे। इसके बाद में आपको पीले वाले कलर पे जाना है और इसकी HUE को भी कम कर देना है। कम करने के बाद में इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में आपको क्लियरिटी को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है और विग्नेट को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम कर लेना है ताकि आपके थोड़ा डार्क इफेक्ट यहाँ पे नज़र आए। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना, शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना और नॉइस रिडक्शन को भी यहाँ पे थोड़ा सा आप इंक्रीज कर देना और कलर नॉइस रिडक्शन को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेना और स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर आप और कुछ आपको स्टार वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको एक्सपोजर को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे 0.36 पर इंक्रीज कर देना है और शेडो को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़ा देना है और वाइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्लैकनेस को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़ा देना है। इसके बाद में आपको कुछ ही नहीं करना, आप इफेक्ट देख सकते हो कि आपकी फ़ोटो पिक्सआर्ट में किस प्रकार थी और लाइट रूम में किस प्रकार से एडिट हो चुकी है। तो गाइज़ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपकी फ़ोटो को यहाँ पे हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।